ये है डेजर्ट फेस्टिवल की नाइट और ये ऊपर चांद भी दिख रहा है बहुत ही शानदार। और ये है गड़ीसर लेक, गड़ीसर तालाब बोल सकते हैं। हम चलते हैं आगे। आजा ये है चांद दिख रहा है और बहुत ही शानदार यहाँ पे नजारा दिख रहा है डेजर्ट फेस्टिवल पे। फ्रेंड्स ये है आज सेकेंड दिन है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का और हम हैं यहाँ पे गड़ीसर तालाब के ऊपर और आज है म्यूजिकल नाइट। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन सभी महानुभावों का, देवी और सज्जनों का, माताओं और बहनों का। हजारों वर्षों के इतिहास को अपने में समेटे और बाशिंदों की प्यास बुझाता रहा गड़सीसर सरोवर आज भी अपने पानीदारी को बताने के लिए हिलोरे मार रहा है आपके करीब आपके सामने। इस सुरीली जगमगाती संध्या का आनंद लें और हिलोरे मार रहे इस गड़सीसर सरोवर को गौर से देखें। संध्या की बात सुनकर आप सभी लोग इस सांस्कृतिक विरासत के लिए, सभी महानुभावों के लिए लाजवाब लाजवाब। क्या बात है, जैसलमेर की जनता को सलाम, हमारे लिए सतत प्रयास को सलाम।
myself tells Mukt. Mukt is a band based in Ahmedabad who exclusively works to spread the masterpieces of literature written by legendary writers in the past.
साउंड में जो सर जी है वो मेरे मॉनिटर्स में आके मेरा मेरे वोकल्स बहुत लाउड है, उसको थोड़ा सा कम कीजिए, और जो सेकंड वोकलिस्ट है उसके थोड़े से वोकल्स दीजिए। और मेरे इंजीनियर्स में मुझे तबला और ड्रम्स थोड़े थोड़े दे दीजिएगा अपने हिसाब से। बिल्कुल ही शट शट तो ये जो गाना हमने गाया अभी, ये गाना हमारा खुद का गाना था और इस गाने का नाम था जंगल के जोगी। जंगल के जोगी ने इच्छा की एक लिखी गजल है जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, और इस गजल के अंदर वो हमारे अंदर जो एक अर्ज होती है तो ब्रेक फ्री फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, जो कॉन्क्रीट वर्ल्ड हम एक बना लिया है हमारे आसपास, हमने उस सारी उस दुनिया को तोड़ के भाग जाने की बात करता है वो गाना। और जंगल की जोगी हमारा पहला गाना था जो हमने बनाया था एज ग्रुप, और हमारी आशा है कि आप सभी को ये गाना पसंद आया। आपको पसंद आया? दूसरा जो गाना लेंगे उसमें साथ में तालियां बजा लिया, ठीक है, सबको बजाएंगे और थोड़ा और ज्यादा मजा आ जाए आपको, तो अपनी जगह से खड़े होकर थोड़ा झूम भी लीजिए यार, क्योंकि ये इट्स अ टू वे स्ट्रीट, जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी हम एनर्जेटिक परफॉर्म करवाएंगे आपके सामने। तो दूसरा गाना जो हम ले रहे हैं, इस गाने का नाम है माँ रेवा। माँ रेवा एक फोक सॉन्ग है जो नर्मदा आंदोलन के दौरान लोग गाते थे, और नर्मदा को पूजने के लिए ये गाना गाया जाता है, और रेवा का एब्सोल्यूट जो मीनिंग होता है वो है नर्मदा। और इंडियन ओशन जो एक बैंड है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इंडियन ओशन नर्मदा आंदोलन का एक हिस्सा थे, और उन्होंने ये गाना उस आंदोलन में सुना और उन्होंने अपना एक वर्जन बनाया जो लोगों तक पहुंचाया, और वो इतना इतना फेमस हुआ, लोगों को इतना पसंद आया कि वो आज आप तक पहुंचने वाला है अभी। तो माँ रेवा, आपको बहुत मज़ा आएगा, शुरू करते हैं। Yeah.